यदि सद्धर्म का मार्ग मिले तो केवल मुझे नहीं वो सबके लिए उपलब्ध होना चाहिए। और अंत में मेरी भयानक परीक्षा हुई, काम, क्रोध, माया, वासना, तृष्णा मेरे सामने कई रूपों में आए, पर मैं विचलित नहीं हुआ, अडिग रहा। मैंने संकल्प लिया प्राण जाए या परम सत्य उपलब्ध हो, और अंत में मुझे परम सत्य प्राप्त हुआ। हे पुरुष बुद्ध, मुझे उस मार्ग पर पहला पग रखना तो सिखा। कारण और प्रभाव की सूक्ष्म और अदृश्य श्रृंखला से पूरी सृष्टि बंधी। यदि तुम अच्छे कृत्य करोगे तो ताल की लहरों की तरह जन्म जन्म उसकी तरंगे तुम्हारे जीवन को कंपित करेगी, तुम्हें बौद्धित्व तक पहुंचाएगी। उसी के विपरीत यदि तुम बुरे कृत्य करोगे तो उसकी बेड़ियां जन्मों तक तुम्हें बांधेगी और घसीटती जाएंगी। पर जहां खड़े हो जिस क्षण में, यदि उस क्षण में स्थिर हुए, शांत हुए, तो तुम अपने अंदर एक मध्य बिंदु को पाओगे जिसे ना दुख होता है ना सुख, जो इस कार्य कारण सिद्धांत की पूरी श्रृंखला को तोड़ के तुम्हें परम सत्य से जोड़ता है। अरे वाह, मस्त। देख, ओम भगवती इक्षाम देही। हत्ते करते हैं, नौजवान है, फिर भी कटोरा उठाकर भीख मांगते फिरते हैं, शर्म भी नहीं आती इन्हें। अरे भाई, मगर पसीना भाई मुफ्त की रोटियां तो तोड़ेंगे। अरे ये बुद्धा मनुष्य का कल्याण क्या करेगा जो अपनी पत्नी को विधवा छोड़ घर से चला आया है। ये तो पूरे समाज को निर्वंश बना देंगे। चले जाओ यहाँ से, वापस आने का साहस भी ना करना, जाओ। राजगृह वालों ने भिक्षा नहीं दी। गुरुवर, हम यहाँ से किसी और स्थान पर नहीं जा सकते? अवश्य जा सकते, पर जो तुम्हें यहाँ अशांत कर रहा है वो किसी दूसरे स्थान पर भी अशांत करेगा। नहीं गुरुवर, यहाँ के लोग हमारा अपमान करते हैं, हमारा उपहास करते हैं, ताने मारते हैं, और तुम्हें क्रोध आता है। यदि यही लोग तुम्हारे पद पर फूलों की पंखुड़ियां बिछाएंगे तो तुम्हें प्रसन्नता होगी, अर्थात तुमने अपनी शांति की कुंजी को दूसरों के हाथों में सौंप दी है। बाहर की बात तुम्हें विचलित भी कर सकती है और तुम्हें प्रसन्न भी कर सकती है। गुरुवर, हमसे ही भूल हुई। यदि बाहर के कारण दुख और क्रोध हमारे मन में है तो हमने ही मन से आपके संदेश को ग्रहण नहीं किया है। मन में यदि प्रतिशोध का भाव आया तो ये समझना कि तुम अभी परम सत्य से बहुत दूर हो। आप कहते हैं तो मन क्षण में समझ जाता है। एक बात हमेशा याद रखना कि कोई भी नई बात लोग आसानी से ग्रहण नहीं करते, तुम उनकी सदियों पुरानी धारणाओं को तोड़ रहे हो। वो तुमसे प्रेम नहीं करेंगे, पहले पहले वो तुम्हारा उपहास करेंगे, फिर हिंसक होंगे, फिर तुम्हारी उपेक्षा करेंगे,
फिर तुम्हें स्वीकार करेंगे। ये परिवर्तन तुम स्वयं देखोगे, बस अपना धैर्य और सहनशीलता ना छोड़ना।